Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow With Me. So hopefully आप लोगों को मेरी videos informational लग रही होंगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ experience ज़रूर हो रहा होगा. And if you have any query related to teaching and learning, related to interview, related to any kind of school, you can always ask me in the comment session. I can help you in that. कि कौन सा स्कूल, किस में क्या एटमॉस्फेयर है, आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल स्कूल्स. मैं बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स में जॉब कर चुकी हूँ फॉर 13 to 14 ईयर्स इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. सो आज मैं बताऊँगी कि मैंने क्वीन मेरी से क्वीन मेरी छोड़ के मैंने ज्वाइन किया था सेक्टर 5 में माउंट आबू. जो दिल्ली में रहते हैं और जो रोहिणी में रहते हैं उन लोगों को माउंट आबू के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि माउंट आबू इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्कूल ऑफ रोहिणी बिकॉज हमेशा वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहता है. वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी एक्टिव, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. बहुत अच्छे बच्चे हैं. मुझे अभी तक के जो जितने भी स्कूल से मैंने वर्क किया माउंट आबू के बच्चों मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे थे वहाँ पे, कि मुझे भी उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. सो मेरी ज्वाइनिंग वहाँ पे 2019 में मैंने ज्वाइन किया एंड आई वाज़ द क्लास टीचर ऑफ क्लास 7. मुझे वहाँ पे साइंस मिली 6th, 7th, 8th की और मैं क्लास टीचर बनी थी 7th क्लास की. अच्छा, वहाँ का जो माहौल था एकदम डिफरेंट था. जैसे क्वीन मेरी में था हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, जो प्रिंसिपल बोलेगी हमें वही करना था. यू नो वी वर लाइक स्लेव्स, जैसे गुलामी होती है करनी. वहाँ पे ऐसा माहौल था, सो मच ऑफ स्ट्रिक्टनेस. आप अपनी बात नहीं बोल सकते हो, आप अपना पॉइंट नहीं रख सकते हो, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी देयर. बट माउंट आबू उसका उल्टा था, वहाँ पे क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी थी. आप अपने नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो टीचिंग के लिए, आप अपने एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो अगर वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, अगर वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, तो माउंट आबू इज़ द वर्क प्लेस जहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो बच्चों को अपग्रेड करने के लिए. तो जब मैं वहाँ पे गई, सबसे पहले टीचर्स के लिए वहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ, टीचर्स बहुत ज़्यादा थक जाती हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे पूरे दिन में सिर्फ एक सिंगल पीरियड फ्री मिलता है. यू विल हैव 5 क्लासेस, आपके 5 टीचिंग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं अलॉन्ग विद मॉरल साइंस एंड जीके. आपको जीके, मॉरल साइंस क्लब एक्टिविटीज भी दे दी जाती हैं एंड पूरे दिन के अंदर आप हार्डली 35 मिनट्स फ्री होते हो. वहाँ का जो टाइमिंग्स है टीचर्स का, ऑफिशियल टाइमिंग्स जो है वो है आपका 7:40 से लेके 3 o'clock तक. बट टीचर्स के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो 3 बजे के बाद रुक के भी काम करती हैं. मैंने तो नहीं किया, मैंने वहाँ पे हार्डली 1 से 1.5 साल ही जॉब किया. बट मैंने वहाँ पे स्टे बैक करके काम नहीं किया. जो मेरा वर्क होता था, जो मुझे लगता था, मैं सैटरडे को करती थी जिस दिन बच्चे नहीं आते थे. और सैटरडे को मैं क्योंकि मैं वर्क किस तरह कर पाती थी, क्योंकि आई डू नॉट इन्वॉल्व इन गॉसिप्स. मैं कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गई हूँ तो मैं अपना टाइम हमेशा काम पे ज़्यादा डिवोट करती हूँ, क्योंकि मैं घर पे जाके काम करना पसंद नहीं करती. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन की हु डज वर्क इन दैट अलॉटेड टाइम ओनली. अगर 8 से 3 का टाइम है या 7:40 से 3 बजे का टाइम है तो मैं अपना काम हमेशा एक क्वीन मेरी स्कूल में मैंने ज़रूर घर पे आके काम किया है, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना फ्यूचर सोचती थी. मुझे लगा वहीं पे हमेशा टिल माय रिटायरमेंट मैं वहाँ पे जॉब करूँगी. अदरवाइज़ उसके बाद मैंने किसी भी स्कूल में घर पे आके कभी भी काम नहीं किया स्कूल का. हमेशा स्कूल का काम स्कूल में ही किया है. और वो क्यों किया है? क्योंकि मैं कभी भी गॉसिप्स में, गप्पों में, कॉन्ट्रोवर्सीज़ में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कभी भी नहीं होती हूँ. मेरा हमेशा एक पर्सन के साथ ही फ्रेंडशिप रहता है और वो भी फ्रेंडशिप बहुत फॉर्मल रहता है. अगर मैं वर्क प्लेस में हूँ तो वो दैट इज़ जो वहाँ का वर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ शेयर होगा तो उससे ही होगा. आई डू नॉट फॉर्म पर्सनल रिलेशंस एट माई वर्क प्लेस, मैं नहीं करती हूँ. सो इसीलिए मेरा काम टाइमली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जनरली मैं ग्रुपिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, राइट? तो लेकिन वहाँ पे माउंट आबू में टीचर्स 3 बजे के बाद भी रुकती थी, 4-5 बजे तक रुक के चेकिंग वर्क कंप्लीट करती थी. मैंने तो नहीं किया, मैं तो वहीं उसी टाइम करती थी और सैटरडे को करती थी. 2 से 3 बजे बच्चों का डिस्पर्सल हो जाता था और 2 से 3 मैं कंटिन्यूसली चेकिंग करती थी, इधर उधर कहीं भी नहीं देखती थी. एंड अब टीचर्स थोड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है, किसी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते थे गप्पे के लिए, पर मैं वो भी नहीं जाती थी. मैंने बताया कि मैं हमेशा फॉर्मल रिलेशंस ही रखती हूँ अपने वर्क प्लेस पे. सो हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, बट मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला. सबसे पहले टीचर्स के लिए वहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं.
आप मान के चलो एक हफ्ते में 3 दिन तो आपकी वर्कशॉप्स होंगी होंगी, दैट आर पेड वर्कशॉप्स। टीचर्स से वो पे नहीं करते हैं, हम लोग टीचर्स नहीं वहाँ पे करते थे, बट मैम ज्योति अरोरा मैम की मेरी हमारी टीचर्स अच्छे से अच्छा सीखें, इसीलिए मैम पेड वर्कशॉप्स कराती थी। मैम हमारी टीचर्स के लिए, हम सब टीचर्स के लिए पे करती थी वर्कशॉप्स वालों को, ताकि हम हमारी टीचर्स और स्किल्ड हो सकें और बच्चों का फ़ायदा हो सके। वहाँ पे मैंने करी थी बी हैप्पी एट स्कूल की वर्कशॉप, बहुत अच्छी थी। एंड हाउ टू बी हैप्पी, मतलब अगर टीचर हैप्पी होगा तो बच्चे भी ऑफकोर्स हैप्पी होंगे, पर अगर टीचर ही घर से लड़ाई करके आ रहा है या फ्रस्ट्रेट होके आ रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे नहीं निकालनी चाहिए उसको। तो वहाँ पे था कि बी हैप्पी एट स्कूल। देन वहाँ पे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की वर्कशॉप भी हुई थी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आप बच्चों को कैसे लर्निंग करा सकते हो सीखते सीखते, मतलब आप उनको पढ़ा नहीं रहे हो, आप उनको टीच नहीं करोगे, आप उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी क्लास में करोगे कि वो अपने आप ही सीखे, सिर्फ बताने से नहीं कराने से होगा, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करने के साथ साथ सीखना। वहाँ पे ये भी वर्कशॉप हुई थी। देन वहाँ पे गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर ये वाली वर्कशॉप्स हुई थी। देन हाउ टू मैनेज योर क्लास इफेक्टिवली, मैंने वहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी, दैट वॉज वेरी वेरी बेनिफिशियल। उस स्कूल के बाद मेरा लेंसेस कॉन्वेंट में हुआ था, मैंने आपको बताया था, मेरा वो माउंट आबू का ही एक्सपीरियंस था, जब मैंने माउंट आबू बताया कि हाँ यस आई वॉज वर्किंग इन माउंट आबू, तो वहाँ पे प्रिंसिपल की आईब्रो भी हाँ ऊपर हो गई थी कि हाँ माउंट आबू का है, तो क्योंकि माउंट आबू का हमेशा क्या होता है कॉम्पिटिशन्स में, माउंट आबू हमेशा सेकेंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे होता है। माउंट आबू में जनरली क्या होता है, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, स्टडीज़ कम होती है, मतलब ऐसा होता था कि हम एक पीरियड ऊपर आए हैं तो फिर बच्चे नीचे भाग रहे हैं, फिर तीसरे पीरियड ऊपर आए हैं, फिर चौथे पीरियड बच्चे नीचे भाग रहे हैं। आई मीन सो मैनी एक्टिविटीज़ पर दिया, बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव थे, स्कूल में तो वो इतना नहीं पढ़ते थे बट घर में जाके वो बहुत पढ़ते थे, बच्चों के पास बुकिश नॉलेज नहीं थी, बच्चे बुक्स के बाहर से इतने नॉलेजेबल थे, बच्चों के बैग के अंदर आप अलग अलग तरह की साइंस मैगजीन देखोगे, एनसाइक्लोपीडिया देखोगे, मैथ्स के अलग अलग, उनको मैथमेटिशियंस के बारे में पता होता था, तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे वहाँ पे। इवन जो मिनिमम बच्चा था वहाँ पे 60% वाला था, अब वो भी इंग्लिश में ही बात करता था। वहाँ पे जाके मेरी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हुई, आई वॉज सो मोटिवेटेड देयर, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है, न्यूज़पेपर के अंदर हमेशा माउंट आबू सेक्टर 5 का नाम आता ही रहता है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप वेबसाइट पे, दे आर वेरी वेरी एक्टिव, हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कुछ ना कुछ नया डलता रहता है। असेंबली इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ दी स्कूल वर्किंग, वहाँ पे असेंबली इतनी अच्छी होती है, हालांकि उनका जो ग्राउंड है, जो स्पेस है, दैट इज़ नॉट इनफ, जो माउंट आबू का असेंबली का एरिया है वो बहुत छोटा था, बच्चे बहुत कंजस्टेड हो जाते थे, बट जो लेवल ऑफ असेंबली होता है वो इतना अच्छा होता है, उसमें टीचर्स को भी बोलना होता है, टीचर्स टॉक का कॉलम रहता है, टीचर्स टॉक, बच्चे कोई ना कोई टॉपिक पे असेंबली तैयार करते हैं, छोटे छोटे डेज भी वहाँ पे इतने धूमधाम से मनाए जाते हैं, इतना अच्छे से वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, एंड एवरीथिंग विल बी कैश्ड इन अ कैमरा, सब कुछ कैमरा में क्लिक होता है, वेबसाइट पे अपलोड होता है। तो दैट्स ऑल माय एक्सपीरियंस ऑफ माउंट आबू, बट ड्यू टू कोविड की वजह से, और इतना ज़्यादा हैक्टिक भी हो गया था मेरा वहाँ पे, कि मैंने वहाँ से 1.5 साल के बाद ही रिज़ाइन कर दिया था, एंड देन आई हैव अप्लाइड इन लेंसेज कॉन्वेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। And after that, I'll tell you in my next video. And if you want any kind of questions related to any school, you can always ask me in the comment section. Thank you, everyone. Have a nice day.